हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर ब्लेस्ड गाइस। दिस वीडियो इज फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर इग्नू। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, इन दैट वीडियो आई कवर्ड कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और इस वीडियो में आई एम गोना कवर ट्रीटमेंट्स। सो लेट्स कमेंस विदाउट फर्दर डू। डिप्रेशन को हम दो मेथड से हम लोग ट्रीट करते हैं। टू वेज आर देयर टू ट्रीट डिप्रेशन, वन इज मेडिकेशन और सेकेंड होता है आपका साइकोथेरेपी। तो मेडिकेशन में आपको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हो गया, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में SSRIs बोलते हैं, और ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो सकता है या एटिपिकल। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट दे आर टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ साइकाट्रिस्ट। ऐसे आपको नहीं मिलेगा। और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया होगा व्हेन आई टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन कि सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन थ्री केमिकल्स होते हैं, ब्रेन में कुछ इम्बैलेंसेस हो जाती है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट हैं उसको उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये जो जो मेडिकेशन है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, माइनर ही है। फर्स्ट इज योर नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, डायहेरिया हो सकता है, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, राइट। और बहुत रेयर केसेस में वॉमिटिश फील होता है या फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है, ओके। लेकिन ये मेडिकेशन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के सिलेबस में है, बट यू हैव टू हैव लिटिल बिट आइडिया। आई एम गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आपको पता हो जाए कि मेडिकेशन में क्या क्या दिया जाता है, तो आप एंटी डिप्रेसेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है आपका साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, कैसे ट्रीट किया जाता है डिप्रेशन को। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉक थेरेपी दी जाती है। टॉक करके ही डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है क्लाइंट को, ठीक है। सेकेंड आपका CBT हो गया। CBT आपको पता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसमें आप क्या करते हैं, वो साइको सोशल इंटरवेंशन को ट्रीट करता है, जैसे कि इट एम्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जैसे जो नेगेटिव थॉट्स ऑफ पैटर्न होते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। जैसे कि मान लो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, और उसके बगल में कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसने इतना पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उस बच्चे ने जिसने ज़्यादा पढ़ा है उसका चीटिंग करके उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ गया, तो हाँ वो डिप्रेशन में जा सकता है कि मैंने इतना किया और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ और सामने वाला बंदा हो गया। तो हम उसको उसकी जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है, हम उसको बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, जो एक अ पीस ऑफ पेपर डजेंट यू नो क्वालिफाई यू, डजेंट जस्टिफाई योर पोटेंशियल, क्योंकि आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट जो थे अब्दुल कलाम जी, वो भी एयरफोर्स में रिजेक्ट हो गए थे इंटरव्यू में, बट फिर ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इतने लाइक यू नो एमिनेंट साइंटिस्ट बने। या फिर आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि ही वॉज नॉट दैट मच क्वालिफाइड बट स्टिल ही इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आप पैटर्न जो उसके नेगेटिव थाट्स कि जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हो, इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। और थर्ड वाला जो है वो आपका है बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर में चेंजेस करने का। बिहेवियर थेरेपी को क्या कैसे करेंगे हम लोग, उसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ये थेरेपी जो होती है, इट सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड चेंज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या फिर अनहेल्दी बिहेवियर। अगर अनहेल्दी बिहेवियर जिसके गलत हरकतें हैं, गलत बिहेवियर हो रहा है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली मेडिकेशन के बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में। साइकोथेरेपी में 3 सेक्शंस हो गए आपके, टॉक थेरेपी, CBT और आपका बिहेवियर थेरेपी। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में दोनों ही काम करने पड़ते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी दोनों ही वर्क करता है कभी कभी। अगर माइनर हुआ तो आप साइकोथेरेपिस्ट चला जाता है, लेकिन कभी थोड़ा और ज़्यादा अगर डिप्रेशन ज़्यादा है और उसका मतलब लाइक स्टेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर हम लोग मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों ही कंबाइन करते हैं। और लास्ट केस जो है दैट इज इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी जो होती है, दैट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ECT भी कहते हैं उसे, लेकिन वो सिर्फ सीवियर मेजर डिप्रेशन में या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में ही दिया जाता है, वो नॉर्मल या माइल्ड डिप्रेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो ही, लेकिन ब्रीफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे TV में दिखाते हैं ड्रामेटिक वे में कि जो हीरो है उसको बहुत ज़्यादा शॉक मिल रहा है ब्रेन में, ऐसा नहीं होता है, बहुत माइनर होता है, बहुत ब्रीफ होता है।
है. ओके गाइज, सो आई होप इट वुड हेल्प. एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ. हम लोग डिप्रेशन को थ्री तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. वन इज मेडिकेशन. मेडिकेशन में आपको एंटी डिप्रेशन दिया जाता है. साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में टॉक थेरेपी, सीबीटी और बिहेवियर थेरेपी यूज़ किया जाता है. और लास्ट अगर ये दो भी वर्क नहीं करते तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन या और साइकोथेरेपी. और लास्ट में जब सबसे ज़्यादा सीवियर मेजर डिप्रेशन होगा तो फिर आपको इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि आपको ब्रीफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन दिया जाता है, जिसमें कि आपको वो भी आपका सुपरविजन भी होता है. इट्स अ काइंड ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, राइट? सो आई होप इट वुड हेल्प एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम. टेक केयर, बाय बाय.